अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन है, और इन दोनों में जो ट्विस्ट है वो ये है कि इन दोनों टॉपिक्स के जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं। इट मींस जो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वही इम्फेटिक प्रोनाउंस भी हैं। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें और कैसे मालूम हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहाँ होते हैं और इम्फेटिक प्रोनाउंस कहाँ होते हैं। तो गाइस, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने बेल आइकन को भी ऑन रखें, ताकि हमारी जो मज़ीद ग्रामर की वीडियोस आने वाली हैं तो उनकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचाएँ। सो गाइस, लेट्स बिगिन। डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन: सच सब्जेक्ट्स हुज एक्शन रिफ्लेक्ट्स ऑन देम आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका एक्शन उन्हीं पर रिफ्लेक्ट करता है तो हम उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, शी लव्स हरसेल्फ। अब यहाँ पर जो शी है वो एक सब्जेक्ट है, यानी डूअर ऑफ एक्शन है, और लव्स ये एक मैन वर्ब और द एक्शन परफॉर्म्ड, और जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो है हर सेल्फ, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है हर सेल्फ, ये सेम पर्संस हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिकॉग्नाइज करने की पहली साइन ये होती है कि उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स ये सेम पर्संस होते हैं। अब यहाँ पर जो काम करने वाला है शी, उसका जो काम है उसी पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी वो अपने आप को प्यार करती है। ही हर्ट्स हिमसेल्फ। अब इस सेंटेंस में भी जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है ये भी सेम पर्संस हैं, और जो सब्जेक्ट का एक्शन है वो भी उसी पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसने अपने आप को चोट पहुँचाई। नाउ टर्न टू द इम्फेटिक प्रोनाउंस डेफिनेशन। एक्चुअली जो वर्ड इम्फेटिक है ये इम्फेसिस से लिया गया है, यानी स्ट्रेस। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये किसको इम्फेसाइज करता है, यानी किसे स्ट्रेस करता है। सो इट्स डेफिनेशन इज इम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज टू पुट मोर इम्फेसिस और स्ट्रेस ओवर द सब्जेक्ट। यानी ये सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Now let us take an example. He himself wrote a letter. अब यहाँ पर जो he है ये एक subject है, और जो wrote है ये एक मैन वर्ब है, और action performed, और जिस पर action performed किया गया वो है letter. अब सवाल यहाँ ये है कि himself कहाँ से आया और क्यों आया। तो इसका जवाब ये है कि ये इस subject यानी he पर स्ट्रेस डालने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जांपल में पहली साइन ये पढ़ी थी कि उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्संस होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि जो सब्जेक्ट ही है वो अलग है और जो ऑब्जेक्ट लेटर है वो अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हिमसेल्फ है ये एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये एज एन इम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया। हाफिज।